तो मैंने कहा कि और कौन सा था, इसने बोला और दो तीन दोस्त है और उधर से ही जाऊंगा, और एक दोस्त के पास फ्लैट में थी, तो ये उनसे उस टाइम बात हुई। फिर मैंने उसी दिन 4:30 बजे फिर इनसे बात की, तो इसने कहा कि मैंने इनसे कहा कि वापस कैंपस पहुंच गए कि नहीं, इसने कहा कि नहीं अभी 10-15 मिनट मुझे लगेंगे मेट्रो तक। तो मैंने कहा कि कहाँ कहाँ गए थे आज घूमने के लिए, बोला मैं भी फोटो सेंड कर रहा, तब से फोन स्विच ऑफ आ रहा है बस इतना मुझे पता है। इससे पहले 4 तारीख अक्टूबर 4 तारीख को इस वहां पर 2:30 बजे के करीब मुझे फोन आया था, वो इससे पहले की बात है। 2:30 बजे उस दिन मुझे कैंपस से ही फोन आया था कि इसको कुछ लड़कों ने वहां मारा था। मैं उसी दिन 5:45 की फ्लाइट से वहां दिल्ली गया था उस दिन। फिर मैं 10 तारीख तक वहां पर ही रहा, वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के DM भी थे उसमें, SSP थे, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप FIR दर्ज कराओ उन लड़कों के खिलाफ। लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने सोचा ये भी बच्चे ही है, आप बच्चों में आपस में हो जाता है, आपस में घुल मिल जाएंगे, लेकिन मैंने नहीं माना, मुझे क्या पता था आगे क्या होगा। बस अब मेरी यहाँ की मकामी जो गवर्नर साहब है, DG साहब है, या ये कुछ उनके एडवाइजर्स है, या दिल्ली सरकार है, उनसे यही अपील है कि मेरे बेटे को कहीं पर भी जो है उसको ट्रेस कराने में हमारी मदद कीजिए। और क्या कह सकते, ये हम 4 भाइयों में एक ही लड़का है, 4 भाइयों में एक ही लड़का है, खाली एक 4 भाइयों में कहा एक ही लड़का है मौजूद है, अभी पढ़ने के लिए भेजा था हमको, बस वो बच्चा वापस चाहिए, और क्या, और क्या हमारी मांग ही है गवर्नमेंट से। मैं महबूबा मुफ्ती साहब से ये अपील करता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब से हमारी यही गुजारिश है, इसमें मदद कीजिए, हमारी बच्चा है, गवर्नर साहब है सत्यपाल मलिक जी, उनसे यही अपील करते हैं कि इस मदद कीजिए हमारे, हम बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं, इनके बड़े बड़े हालात होते हैं, हमारे पास क्या है, बस हमारी यही गुजारिश है। और अगर खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ हुआ तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा क्या है, इसके बाद 4 भाइयों में एक ही लड़का है, 4 भाइयों।